दोस्तों, अगर आपने अभी तक अपने वोटर आईडी कार्ड को नहीं बनवाया है तो आप हमारी इस वीडियो को देखने के बाद अपने वोटर आईडी कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जिन लोगों ने इस वीडियो को देखने के बाद अपने वोटर आईडी कार्ड के लिए अप्लाई कर दिया है और अब वो जानना चाहते हैं उनका वोटर आईडी कार्ड अभी तक कहाँ पर पहुँचा है और कितना समय अभी लगने वाला है, तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे आप पता लगा सकते हैं आपका वोटर आईडी कार्ड अभी तक कहाँ पर पहुँचा है। तो वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक शेयर जरूर करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अपने वोटर आईडी कार्ड के स्टेटस को देखने के लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में किसी भी एक ब्राउजर को ओपन करना है। इसके बाद यहाँ पर आपको nbsp.in वेबसाइट को लिखकर सर्च करना है। इस वेबसाइट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। जैसे कि आप इस वेबसाइट को ओपन करेंगे, यहाँ पर आपके सामने आ जाएगा नेशनल बॉर्डर सर्विस। आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पर आपको लिखा हुआ दिखाई देगा ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस। तो आपको ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस पर क्लिक करना है। जैसे कि आप ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपके सामने आ जाएगा सिलेक्ट स्टेट का ऑप्शन। तो आपको अपने स्टेट को सिलेक्ट कर लेना है, जो भी आपकी स्टेट है। स्टेट को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपने जब अपना वोटर आईडी कार्ड के लिए अप्लाई किया था, वहाँ पर आपको एक रेफरेंस आईडी मिली थी। उस रेफरेंस आईडी को आपको यहाँ पर डालना है और इसके बाद ट्रैक स्टेटस पर क्लिक कर देना है। तो चलिए हम अपनी रेफरेंस आईडी डालने के बाद ट्रैक स्टेटस पर क्लिक करते हैं। तो जैसे कि दोस्तों, यहाँ पर हम ट्रैक स्टेटस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारे सामने हमारा नेम, हमारा लास्ट नेम, हमारा स्टेट और यहाँ पर फॉर्म टाइप आ जाएगा। तो हमने यहाँ पर एक नया फॉर्म सबमिट किया था, तो यहाँ पर हमारा जो फॉर्म है सबमिट हो चुका है। इसके बाद यहाँ पर एक BALO को अपॉइंट किया गया है, वहाँ से भी ये अपॉइंट हो चुका है। अब यहाँ पर होने वाला है हमारा फील्ड वेरिफिकेशन और इसके बाद पता चलेगा फील्ड वेरिफिकेशन होने के बाद हमारे फॉर्म को एक्सेप्ट किया गया है या नहीं। जैसे ही आपका फॉर्म एक्सेप्ट हो जाएगा, आपका वोटर आईडी कार्ड आपके घर पर पहुंच जाएगा। तो दोस्तों, इस आसान तरीके से आप पता लगा सकते हैं आपका वोटर आईडी कार्ड अभी तक कहां पर पहुंचा है। तो उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आई होगी और आप समझ ही गए होंगे वोटर आईडी कार्ड का स्टेटस कैसे देखते हैं। अगर आपने अभी तक अपना वोटर आईडी कार्ड नहीं बनवाया है तो आप ये वाली वीडियो देख के वोटर आईडी कार्ड बनवा सकते हैं। अगर आपने वोटर आईडी कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं किया है तो आप ये वाली वीडियो देख के अपने वोटर आईडी कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करना भी सीख जाएंगे।